बाहुबली फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 6 बहुत सॉलिड प्लॉटिंग देकर गया है, जिसकी बात हमने पिछले दो वीडियो में भी कर ली है। आज एपिसोड 7 के प्रोमो ब्रेकडाउन करेंगे, जो अब इस मिस्ट्री टाउन की अनफोल्डिंग करने में काफी हेल्प भी कर रहा है, क्योंकि पिछले एपिसोड से एक थ्योरी बनाई थी कि ये एक्स्ट्रा मिस्टीरियस क्रिएचर का हेल्प मांगना क्या इस जगह के कर्ज से आजाद होना होगा। तो बाबा प्रोमो बहुत कुछ कहकर गया है, चलो बात करते हैं। इसी के साथ पिछली वीडियोज में 3-4 कमेंट बहुत इन्फॉर्मेटिव आए हैं, जिन्हें मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस भी करूंगा, एंड आप लोगों का ये इंगेजमेंट मुझे बहुत मोटिवेट भी करके गया है। तो यस, तुम्हारे जो भी थॉट होते हैं इस शो से रिलेटेड मेरे साथ शेयर किया करो, इससे मुझे भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए, और बाकी मजा आता है ऐसे साथ में काम करते हुए। थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। बाकी शुरू करते हैं। देखो, प्रोमो स्टार्ट होता है एल्जिन के साथ। वो जो कैमरा है वो अपनी हरकत पे उतर चुका है, क्योंकि एल्जिन ने अभी सिर्फ वही फोटोज ली जो हमने देखी थी पिछले एपिसोड्स में भी, लेकिन उसकी फोटोज में ये अंडरग्राउंड सेलर को दिखाना ये नहीं था, जबकि यहाँ की कोई फोटो इसने नहीं ली थी। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये कैमरा एल्जिन को फोटोज के जरिए एक ऐसे रास्ता दिखाने का काम कर रहा है जो इस टाउन को डिकोड करने में हेल्प करेगा, या ये भी हो सकता है कि ये कैमरा उसे और अंधकार में ढकेलते जा रहा हो और इस सेलर में जाके शायद ये उसे मरवा दे। देखो, इस सेलर की हिस्ट्री रही है, लेकिन खासकर हेल्प करने में। जिस रात पूरे टाउन का मैसेकर हुआ, तब विक्टर ने इसी सेलर में पनाह ली थी। उसके बाद फर्स्ट सीजन में जूली भी इस सेलर तक पहुंच गई थी, जब कॉलोनी हाउस में मैसेकर हुआ था। उसके बाद जेड भी इस सेलर तक पहुंचा था, लेकिन उसने देखा एक बड़े पत्थर से एक कुचला हुआ इंसान है यहाँ पर। लेकिन डेस्टिनी इन तीनों को, यानी विक्टर, जेड एंड जूली को, इस सेलर तक कैसे भी लेकर तो आई, पर ये लोग इसकी तह तक नहीं पहुंच पाए। जो इस बार शायद अगेन ये डेस्टिनी फिर वही मौका एल्जिन को देना चाह रही हो, और एल्जिन को वो मुर्दा लेडी भी दिख रही है जो हेल्प ही मांग रही है। दूसरी तरफ ये सेलर गेट की फोटो या तो इसे मिली होगी बेसमेंट पर, या फिर कैमरा मैजिकल है जो एक्चुअली एल्जिन की हेल्प कर रहा है, उसे रास्ता दिखा रहा हो। देखो, कुछ तो मिस्ट्री यहाँ सॉल्व होने वाली है, या फिर ये हो सकता है कि ये मुर्दा लेडी यहाँ कैद हो और इसे आज़ाद करने का एक टास्क हो जो एल्जिन पूरा कर रहा होगा। उसके बाद उन फ्रीकी चिल्ड्रन एंड वन नाइट ब्लड ड्रिंकर, इन दोनों को भी आज़ाद करने का टास्क होगा, तो शायद इस जगह का कर्ज टूट जाएगा, क्योंकि एल्जिन को जो मुर्दा लेडी दिख रही है बाबा, वो उससे हेल्प मांग रही है और बदले में टाउन के लोगों को घर जाने में भी हेल्प करने की बात भी कह रही है। तो एपिसोड 7 एल्जिन के लिए कुछ सॉलिड कैरी कर रहा है, और वो सेलर के अंदर भी पहुंच चुका है जो हमें फुटेज में भी दिख रहा है। इसी के साथ एक और सॉलिड प्लॉट जेड एंड टैबिथा के पार्ट पर चल रहा है, जहां ये लोग उस एंशिएंट प्लेस पे चले गए हैं जहां जेड एंड जिम पहले ही होकर आ चुके हैं, और वहां उसने जो ट्रायंगुलर शेप में 3 जाइंट रेड स्टोन देखे थे, वही सब टैबिथा भी अपने ड्रीम में अगेन एंड अगेन देखती है। जहां जिम, टैबिथा, ईधन एंड जेड, ये चारों वहां पहुंच चुके हैं। देखो, यहां से भी कुछ तोड़ निकलने वाला है, और मे बी जो पर्चियां दोनों बॉटल ट्री से हमें मिली हैं वो कुछ हेल्प कर दे इस एंशियंट प्लेस को डिकोड करने में, या ये भी हो सकता है जो सेकंड बॉटल ट्री से 1864 वाली पर्ची मिली थी, तो 1864 में लोग यहाँ इस एंशियंट प्लेस में रहकर गुजारा कर रहे हों, मे बी इसलिए हमें ये सेटलमेंट्स एंड वो वेजिटेबल्स वगैरह देखने को मिली। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ जो कोई ट्राइबल कम्युनिटी रह रही हो, वो टाउन के पीपल से ज़्यादा परेशान हो गई होगी, उन लोगों ने ये स्पेल किया हो ताकि ये वो यहीं के यहीं फंसे के फंसे रह जाएं और परेशान हों, क्योंकि वो एंशियंट स्टैचू देन वो लाल पत्थर का ऐसे ऑर्डर में दिखना, ये कोई जादू टोने वाला ही काम दिखता है, जहाँ बड़े बड़े स्पेल करे जाते हैं, और वो वन नाइट ब्लड ड्रिंकर शायद उसकी यहाँ बलि दी गई हो इस स्पेल को कंप्लीट करने के लिए, और ये स्पेल तब टूट जाएगा जब शायद इस वन नाइट ब्लड ड्रिंकर की गुत्थी जेड एंड टैबिथा सुलझा देंगे या उसकी हेल्प कर देंगे इस स्पेल को तोड़ने के लिए, मे भी बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ कहीं से उड़ती उड़ती बात ये भी आ रही थी कि जो बेबी टैबिथा दिख रही है हमें, वो एक्चुअली उसका ड्रीम नहीं है, वो बचपन में टाइम ट्रेवल करती थी जो उसे पता नहीं है, और जिसे वो देखकर डर रही है वो शायद वन नाइट ब्लड ड्रिंकर ही हो, तो बाबा देखते हैं। लेकिन हो ना हो, यहाँ जादू टोने वाला हिसाब किताब है जो सीधा टाउन को आज़ाद करने में हेल्प करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली उस वन नाइट ब्लड ड्रिंकर की जेड एंड टैबिथा को हेल्प करने का टास्क मिला हो, जो सेकेंड सीढ़ी होगी इस टाउन से बाहर आने की, यानी इस टाउन की मिस्ट्री को डिकोड करने की, गुत्थी सुलझाने की। क्योंकि फर्स्ट में अगर हम एल्जिन को मान रहे हैं उस मुर्दा लेडी की हेल्प करने के लिए, तो सेकेंड में ये हो सकता है, और मे बी हो सकता है कि यहाँ से उन फ्रीकी चिल्ड्रन तक पहुँचने का भी रास्ता हमें मिल जाए, यानी वो एंकोई चिल्ड्रन।
क्योंकि सबसे मेन पार्ट अंकुई चिल्ड्रन ही बताया जा रहा है, जिन्हें अगर आजाद कर दिया जाएगा तो इस टाउन से हमें बाहर आसानी से निकल सकते हैं। उसके बाद प्रोमो एड्रेस करता है क्रिस्टियन बॉयड के बीच एक वार्मर कॉन्वर्सेशन, जहां मोस्ट प्रोबेबली बॉयड उस चीज से डिसअपॉइंट है कि फातिमा प्रेग्नेंट नहीं है, तो ये क्रिंज हरकतें आखिर वो क्यों कर रही है और प्रेगनेंसी का आखिर क्या हुआ, जहां कुछ फुटेज जो आए हैं उसमें अगेन फातिमा और एलिस की बातें चल रही हैं। इसी के साथ मैरी भी इससे यानी फातिमा से 1-to-1 होते नजर आई है। देन ये बुड्ढी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही है, जहां ये गुत्थी अभी भी मिस्ट्री ही रह गई है, वो कार्ड वाली जो ये उसकी बच्चे की डेस्टिनी को देखने की कोशिश कर रहे थे उन कार्ड से कि आखिर एक्चुअल में है क्या, लेकिन वहां पर कौवे ने इंटरप्ट कर दिया था और वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो मे बी अगेन वो कार्ड डेस्टिनी फातिमा के लिए ये बुड्ढी फिर देखने की कोशिश करे, क्योंकि इस बार फातिमा भी डिजायर करेगी इस चीज का, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो ऐसी चीज सुलझाने के लिए बाबा ये लग सकता है। और यहाँ से एक आइडिया भी लग जाएगा कि आखिर क्या डेस्टिनी होने वाली है फातिमा की एंड वो प्रेगनेंसी एंड ऑल द थिंग्स, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ ये इविल क्रिएचर में कन्वर्ट होगी फातिमा, जो अगेन उन्हीं रॉटन वेजिटेबल्स के पास हमें दिख रही है फुटेज में। देन उसके बाद प्रोमो एड्रेस करता है जूलियन रैंडल का अगेन उस इविल प्लेस में जाने का, जहाँ इन्हें पिछले सीजन में एक इविल स्पेल के जरिए इनकी आत्माओं को कैद कर लिया गया था। तो ये लोग यहाँ से क्या सुराग ढूंढते हैं वो देखते हैं एपिसोड 7 में, क्योंकि फुटेज की माने तो ये एक मिशन टाइप में ही जा रहे हैं, जिन्हें शायद कुछ ट्रिगर किया हो यहाँ लाने के लिए, यहाँ जाने के लिए, या इनकी फिर चुल उठी हो कि हम हेल्प करेंगे, लेकिन या फिर ये यहाँ ये फंस जाएंगे आकर हेल्प करने के चक्कर में, और ये अड़चन वहाँ डालेगा जो जेड एंड टैबिथा एंड एलजिन जो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उनके काम में ये बाधा बन जाएगी इन बेवकूफों की वजह से इनको बचाने के चक्कर में, वो देखते हैं एपिसोड 7 में। उसके बाद जैस्पर विक्टर एंड हेनरी की कहानी अलग चल रही है, जहां हेनरी की ये लाचार आंखें विक्टर को पछतावे के रूप में देख रही हैं कि मेरा बच्चा विक्टर पागल तो नहीं हो गया है आखिर, मतलब इस अकेलेपन की वजह से जो ये जैस्पर को टॉय से बात करने की बात कर रहा है, क्योंकि हेनरी को ये वियर्ड लग रहा है बहुत ज़्यादा और क्रिंज भी। बट ये जैस्पर थ्योरी बॉस थ्योरी होने वाली है, जो इस जगह की डिटेल्स को डिकोड भी करेगा आगे जाके, वो एपिसोड 7 में देखेंगे। अब बात करते हैं कमेंट्स की, जिसमें एक भाई का कमेंट ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया, काफ़ी अच्छे से की डिटेल एक्सप्लेन करी है। ये फाइट है गुड वर्सेस इविल की, जहां फ्री की चिल्ड्रन को कैद करके रखा गया है और जो मॉन्स्टर्स हैं और वो इविल की आर्मी है। बाकी तुम पॉज करके इस पूरे कमेंट को पढ़ सकते हो। इस भाई का नाम अनिल वर्मा है, काफ़ी अच्छा काम किया है भाई, ऐसे ही और भी कर सकते हो आप। तो इस वीडियो को बनाने में इस इन्फॉर्मेशन की भी काफ़ी हेल्प लगी है मुझे। बाकी और किसी को भी ऐसे ही कुछ और पता है इस शो से रिलेटेड, इस मिस्ट्री से रिलेटेड, तो शेयर कर सकते हो बाबा, मिलकर काम करेंगे और भी ज़्यादा गुत्थियाँ सुलझाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को शायद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन वो डिकोड कर जाए, तो हम ईजिली यहाँ डिकोड कर सकते हैं कि आगे आखिर होने क्या वाला है, प्लॉट क्या होने वाला है, क्योंकि इस सीजन पर स्टोरी ख़त्म नहीं होने वाली है, 1-2 सीजन और लगेंगे इस स्टोरी को ख़त्म होने में, तो ईजी हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट से जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।